मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास क्लास सिक्स, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक प्लेइंग विद नंबर्स, चैप्टर थर्ड, एक्सरसाइज 3.1। स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, आज हम किसके बारे में, आज हम क्वेश्चंस करेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको नंबर दिए गए हैं, आपको उनके सारे फैक्टर लिखने हैं, 30। तो फैक्टर लिखने हैं, मैंने अभी आपको फैक्टर के बारे में बताया था कि फैक्टर जब फाइंड करते हैं तो या तो वो नंबर फैक्टर होते हैं किसी नंबर के जो उससे एग्जैक्टली क्या हो जाते हैं, जिनसे वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, या फिर जिन टेबल्स में वो आता है उनको हम क्या बोल सकते हैं कि ये उनका फैक्टर है। तो 30 की बात करते हैं, तो 30 की अगर हम बात करें तो 30 किस किस में आता है ये देख लेते हैं। पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं 30 को, ठीक है। देन 2 हो गया एक तो फैक्टर, 1 हो गया, 1 तो सभी नंबर्स में होता है फैक्टर, तो 1 2, ओके। देन 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 6 10, और किससे हो जाएगा, 1 2 3 5 6 10 एंड 15। सो दीज आर द फैक्टर ऑफ 30। क्या बोल सकते हैं आप, दीज आर द फैक्टर ऑफ 30, और एक नंबर हो जाएगा खुद 30, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 30, ओके। देन बी पार्ट देख लीजिए, व्हाट इज द बी पार्ट, बी पार्ट में आपको क्या गिवन है ये देख लेते हैं। तो बी पार्ट है 42, तो 42 देख लेते हैं। एक तो 1 होगा, अगर आप 2 से 42 को डिवाइड करें तो भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 3 से करें तो भी हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, देन 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 से, 7, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। अब अगर आप बात करें तो किससे होगा, अब 7 हो गया, 8 से भी नहीं होगा, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 के में भी नहीं आता, 11 के में भी नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, 13 में भी नहीं, 14 किससे डिवाइड होगा, 14, 7 टू जा 14। अब 14 से हो गया, देन 1 2 3 7 14, अब देखिए और किस में आएगा, अब ये हो जाएगा 21 से, क्योंकि 21 टू जा क्या होता है 42, और अब जो लास्ट नंबर जिससे डिवाइड होगा वो है खुद 42। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 42, ओके। ये भी हो गया, देन सी पार्ट देख लेते हैं हम इसका, सी पार्ट में क्या होगा, राइट फर्स्ट 5 सी पार्ट है 68 देख लेते हैं। इसका जो फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा खुद, देन 1 के बाद जो दूसरा होगा वो क्या होगा, 2, फिर 4 हो जाएगा, ओके। 5 से तो होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर है, 6 देख लेते हैं, 6 से भी नहीं होगा, 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो भी नहीं होगा, अगर 8 देखें तो 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, तो 4 2 8, ठीक है, 4 2 8 होता है, तो 8 से तो होगा नहीं है। तो अगर आप देखते हैं इसको तो 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, देन 9 से भी नहीं होगा, अभी किससे होगा, अब देख लेते हैं, 14 3 जा 42 होता है एंड 14 4 जा 64 होता है, तो जब भी इससे नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से अगर हम देखते हैं तो 4 से भी हो जाएगा, और 17 से होगा, 17 4 जा 68 होता है, देन 34 से होगा, और जो लास्ट नंबर होगा जिससे खुद डिवाइड होगा वो क्या होगा, 68 होगा। सो दीज ऑल आर द फैक्टर ऑफ 68। देन डी पार्ट देख लेते हैं इसका, व्हाट इज द डी पार्ट, 96। 96 की अगर हम बात करें तो 96 1 से भी होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी हो जाएगा, देन 7 की अगर बात करें तो 7 से नहीं होगा, 8 से करें, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं डिवाइड होगा, अब 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, किससे होगा, अब 12 से, ठीक है। 12 के बाद कौन से नंबर से डिवाइड होगा, अभी 16 से भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये 16 के किस में आता है, टेबल में आता है, तो 16 से अगर डिवाइड होगा तो 12,
16 के बाद क्या आएगा, 24, 6 × 4 24 से हो जाएगा, देन 12 से हो गया, देखो 3 × 4 = 12, अब देखिए 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, एंड 24 × 6 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि ये कौन से नंबर से होगा, जब ये 24 से हो गया तो लास्ट जो होगा 32 से हो जाएगा, क्योंकि ये सारा इवन नंबर से हो रहा है, देन 6 = 48, देन 96, दीज ऑल आर द फैक्टर ऑफ 96। देन ई पार्ट देख लेते हैं, 90, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमाइन वेदर 9 इज अ फैक्टर और नॉट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको कुछ नंबर गिवन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनके फैक्टर हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे। अगर तीनों नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास ऐसा नंबर आता है जो 9 के टेबल में आता है, तो ये उसका फैक्टर है, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है। देख लेते हैं कैसे करेंगे। 9 + 8 + 7 तो कितना हो गया, ऐड कर लेते हैं, 9 + 8 = 17, एंड 17 + 7 कितना हो जाएगा, 24। ओके, ये हो गया। तो 24 9 की टेबल में आता है, नहीं, तो इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ 9। नेक्स्ट करते हैं हम बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास क्या है, 198, 1 + 9 + 8, 9 में 8 प्लस किए कितने हो गए, 17 + 1 = 18। क्या 9, देखो जो 9 होता है वो 9 के टेबल में आता है, 9 × 18, जो 9 है वो 18 को डिवाइड कर सकता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यस 18 इज द, या फिर हम लिख सकते हैं इट इज द फैक्टर ऑफ 9। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। व्हाट इज द सी पार्ट, 1 = 4 = 8, ऐड कर लेते हैं, 1 + 4 + 2 + 8, 8 + 2 = 10, +4 = 14, 1 carry 1 = 15, अब ये 15 हो गया। अब ये बताना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है, इसका टोटल एड कितना आया, 15, 15 99 के टेबल में नहीं आता। सो हम क्या लिखेंगे, सो 1428 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 9। ओके, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको 5 मल्टीपल लिखने हैं, तो अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम आ जाएगा 4, तो आप 2 से स्टार्टिंग करते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, एंड 4 × 6 = 24, 8, 12, 16, 20 and 24 आर द। तो आप क्या बोल सकते हैं, ऐसे सॉल्व करना है आपको। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या हो गए, ये हो गए। देन सेकंड देख लीजिए, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ सेवन देखिए कैसे करेंगे। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं, तो निकालिए, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। ओके, देन फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं आपको, 16 के मल्टीपल्स ऑफ 16 करते हैं, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, 16 × 4 = 64, एंड 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96। लास्ट ये रहता है हमारे पास, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ 23। ओके, तो कर लेते हैं इसको, 23 × 2 = 46, 23 × 3 = 69, देन 23 × 4 = 92, देन 23 × 5 = 115, देन 23 × 6 = 138। 5 मल्टीपल लिखने हैं ये पार्ट में, 28 के, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ
28, तो लिखें, सो 28 मल्टीप्लाई 2 56, 28 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अगर आपको टेबल नहीं आता, 3 8 जा 24, 4 2 कैरी, 3 2 जा 6, 2 8, तो कितना हो जाएगा 84, 28 मल्टीप्लाई 4, 4 8 जा 32, 2 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 112, 28 5 जा 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 4 14, देन 28 मल्टीप्लाई 6, 6 8 जा 48, 8 4 कैरी, 6 2 जा 12, 4 16, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, ओके, सो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, दीज आर द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ 28.